बिग बॉस सीजन 15 हिट हो गया या फिर फ्लॉप हो गया, हर एक चीज इस टीआरपी के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि मैं बीमार था और फिलहाल अभी भी मैं क्वारंटाइन हूं। जी हां, सारे नियमों का पालन कर रहा हूं और अब देखते भाई बिग बॉस सीजन 15 का टीआरपी कैसे रहा है। जी हां, हर एक चीज में हर एक न्यूज में आपको बताने की कोशिश करूंगा इससे आगे, क्योंकि अब मेरी रिकवरी हो चुकी है। आवाज में थोड़ी सी थोड़ा आपको महसूस हो रहा होगा कि जी हां अभी भी आवाज थोड़ी सी मायूस है, लेकिन जी हाँ रिकवर तो जरूर होगा, हो जाऊंगा। तो भाई बात की जाए बिग बॉस के टीआरपी की, तो वीकडेज की टीआरपी रही है भाई 0.9 और वीकेंड की टीआरपी रही है 1.3। ऑन एन एवरेज अगर इस पूरे सीजन को देखा जाए तो बिग बॉस सीजन 15 अब तक का जो इसका वीकेंड का वार का टीआरपी रहा है, ये सबसे बड़ा फ्लॉप हो चुका है इस सीजन 15 में। तो भाई अगली बार यहाँ पे जो है मेकर्स को कुछ और करना होगा, कुछ अलग करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। तो भाई अब देखते हैं किस तरीके से मेकर्स बिग बॉस 16 को लाएंगे, क्योंकि ये जो सारा मामला था बड़े बड़े नामों को लेने का, ये सब फ्लॉप हो चुका है। लोगों ने इसको पीट दिखाई है। इसका दूसरा रीजन ये भी बताया जाता है कि तब आईपीएल थी, टी20 वर्ल्ड कप था, आईपीएल नहीं टी20 वर्ल्ड कप था शायद। और इसका एक और रीजन है जो मराठी बिग बॉस, जिसका इसको सबसे बड़ा फटका बैठा है। मराठी बिग बॉस को जो इन्होंने इसके साथ शुरू किया, जो ऐसा लग रहा था इन लोगों की महाराष्ट्र के लोग मराठी देखेंगे और बाकी लोग हिंदी देखेंगे, लेकिन ये महाराष्ट्र के लोग ही बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। ये कहीं ना कहीं अब शो के मेकर्स को वहां पे इस पर वहां पे सोच लगाने की कोशिश करनी चाहिए और अगली बार मराठी को हिंदी के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगली बार नहीं होगा क्लैश। लेकिन आपका क्या कहना बिग बॉस सीजन 15 के टीआरपी के मामले, और आपको कौन से वो रीजंस लगते जिसकी वजह से बिग बॉस सीजन 15 फ्लॉप हो चुका है, आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में लिख देना। और भी खबरों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।